एक ही बात मैं कहना चाहूंगी भाई, आंदोलन आपने कर लिया, आपने चिल्ला चिल्ली कर लिया, आपने बात कर लिया, सीधा केस कीजिए। 1778 लोग जब एक ही चीज के लिए एक साथ जब केस करेंगे बिहार सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर, तो शायद थोड़ी जगह को किसी और के भरोसे पद को भर तो नहीं दिया गया हो कि भाई मान लीजिए मेरे नाम पे लेटर आया लेकिन दिया गया किसी और को, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे तो वही लगता है कि कहीं ना कहीं इन जगहों को किसी और के द्वारा भर मतलब दिया गया आपका है। आपका ये आरोप है मैडम कि उन जगहों को कहीं से किसी से पैसा लेकर के भर दिया गया? बिल्कुल अदरवाइज रीजन क्या है? क्योंकि करिएगा कि ये बात को उठाएं। बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे तो क्या कहते हैं ऑनेस्टली ये कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं मिनिस्टर सर चाहते भी हैं कि इस टाइप के चीजों में अगर हम लोग का क्या कहते बात करने से बोलने से अगर कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और आज ही नहीं, मैं कल ही उनसे एक बार बात करके आजकल में मैं बात करके अगर ऐसा होगा तो उन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग लेटर लेके हमारे मिनिस्टर सर से आके जरूर मिलिए। चलिए जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मिश्रा जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जी, नमस्कार मैम। ये बताइए कि जिस तरीके से 2014 में वैकेंसी आई थी बीएसएससी इंटर लेवल 13,100 कुछ आए थे वैकेंसी, जी उसमें से 11,000 समथिंग का चयन हो गया है, जी जिसमें से 1791 सीट खाली रह गया। जी तो 1791 सीट खाली रह गया और 1778 अभ्यर्थी को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। जी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उन लोगों का पीटी भी हुआ, मेंस भी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, टाइपिंग भी हुआ। तो लास्ट स्टेप में सब कुछ करवाने के बाद आखिर उन लोगों को किस आधार पर उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा और बार बार टहलाया जा रहा है कि आज होगा कल होगा। सीएमओ के पास जाते हैं तो सीएमओ बोलता है कि आयोग करेगा, आयोग के पास जाते हैं तो बोलता है सीएमओ करेंगे, ऐसा क्यों मैम? यहाँ जो एजुकेशन रूल 34 इयर्स बाद जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। और अगर मैं बिहार सरकार की बात करूं, अभी जो एक एलिमिनेशन राउंड में जो सबको कंपलसरी कर दिया गया कि भाई ये एग्जाम के बाद ही आपका आगे कुछ होगा, तो मुझे लगता है ये चेंजेस आने के बाद अभी यानी आपके जो 1700 या 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी वाले जी मैं समझ गई, तो ये जानबूझ के भी किया जा सकता है। दूसरी बात की मुझे नहीं समझ आता है कि वैकेंसी अगर है तो उनको क्यों नहीं दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उनका वो जो 1700-1800 जो आपके पद जो खाली था और जो नियुक्ति पत्र जो बांटने के बाद भी उनको दिया नहीं गया, ये अंडर द टेबल पैसा लेके कहीं इसके क्या कहते किसी और को वहां पे दे तो नहीं गया। एक जांच की मतलब वो है, इसमें एक जांच मतलब होनी मतलब है। और दूसरी बात है कि हमारे एडुकेशन मिनिस्टर साहब को तो हम सब जानते ही हैं, वो बोलते कुछ और है, वो करते कुछ और है, वो दिखाते कुछ और है। और बहुत ज्यादा जब हम उनको एडुकेशन रिलेटेड कोई सवाल करेंगे तो वो सीधा धर्म ग्रंथ पे बात करते हैं। तो जानबूझ के बातों से भटकाने वाली काम है ये कि भाई हमको उस बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि वहां पे अपने ही लोगों को उन्होंने डाला होगा, हमको तो यही लगता है। तो शिक्षा मंत्री से बात किया जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। और सीएमओ के पास जाते तो वो बोलते हैं आयोग को हमने लेटर दे दिया है, आयोग को बोल दिया आयोग करेगा। और आयोग के पास जाते तो आयोग बोलता है कि सीएम साहब बोलेंगे तो हम कर देंगे। तो ये पेज कहाँ फंस रहा? 1778 अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है मैडम। बोला जाता है कि हर साल 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 9 साल में 1778 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाती तो कैसे लोग भरोसा करेंगे कि आप हर साल 2 लाख रोजगार दे देंगे? एकदम आपने सही कहा। और जबकि ये एक कलम की बात है, एक इंस्ट्रक्शन अगर हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी अगर दे देंगे तो 1778 हो या 1800 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं करने के पीछे भी ये रीजन है, इतना दिन से जब नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ी जांच की विषय इसलिए है कि कहीं उन जगह को किसी और के भरोसे पद को भर तो नहीं दिया गया हो कि भाई मान लीजिए मेरे नाम पे लेटर आया लेकिन दिया गया किसी और को, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे तो वही लगता है कि कहीं ना कहीं इन जगहों को किसी और के द्वारा भर मतलब दिया गया आपका है। आपका ये आरोप है मैडम कि उन जगहों को कहीं से किसी से पैसा लेकर के भर दिया गया? बिल्कुल अदरवाइज रीजन क्या है? क्योंकि जब कम पदों को आप पैसा लेके भरिएगा तो लोगों के नजर में नहीं आएगा, लेकिन कम पदों को आप जब पैसा
वाले के भैया तो लोगों को नजर में इसलिए भी आएगा क्योंकि ये 1778 लोगों की जीवन, 1778 लोगों की परिवार की बात जब आती है तो आवाज उठना जरूरी है। लगभग 9 साल से मैं ऐसी क्या आखिर प्रॉब्लम आ रही है कि 9 साल से 1778 अभ्यर्थियों की जिंदगी अंधकार में लटकी हुई है और सीएम साहब खामोश रहते हैं? देखिए 9 साल से ये शांति रहने वाली बात नहीं है, बात ये है कि जानबूझ के इसको किनारे या फिर इस पे बात नहीं की जा रही है क्योंकि वो पदों को ऑलरेडी भर दिया गया है, इसीलिए आयोग सीएम, सीएम आयोग, आयोग सीएम, सीएम आयोग बोल के बॉल एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे और करते करते इलेक्शन आ जाएगा, माहौल बदल जाएगा और लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे और जिन भी लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था वो भी अपने उस उम्र के पड़ाव से आगे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ी है। आज भी मैम लगभग 4000 से ऊपर सीट खाली है बीएसएससी का, लेकिन 1778 अभ्यर्थी को लेने में आयोग को क्यों परेशानी हो रही है? 4000 अभी भी सीट खाली है। मैं तो आपको यही बोल रही कि उन 4000 जगह को भरने का काम हमारे क्या कहते हैं बिहार सरकार के द्वारा ही होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन उनका होगा। और टर्म्स एंड कंडीशन उनका होने का क्या मतलब है हम लोग सब जानते हैं कि भाई या तो पैसा लेके या तो भाई किसी अपने किसी रिकमेंडेशन से कोई आएगा, सिफारिश से कोई आएगा तो उसको दिया जाएगा, ये साफ बात है जो कोई बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा इन 1778 अभ्यर्थियों के बारे में क्या कहिएगा मैडम, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है, 10 साल से इसी चक्कर में हमने कोई और वैकेंसी नहीं भरी, उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहिएगा मैडम? मैं तो देखिए एक ही बात में कहना चाहूंगी भाई, आंदोलन आपने कर लिया, आपने चिल्ला चिल्ली कर लिया, आपने बात कर लिया, सीधा केस कीजिए। 1778 लोग जब एक ही चीज के लिए एक साथ जब केस करेंगे बिहार सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर, तो शायद थोड़ा सा कान में जूं रख रहे और ये बहुत बड़ा मदद होगा क्योंकि मीडिया हमेशा उनको सपोर्ट करते आ रही है। मीडिया के सामने आप लोग ये सारा दाखिला कीजिए ताकि इस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई हो। और मैं तो ये बोलूंगी जब तक ये नहीं करेंगे इनके कान में कोई भी आवाज या कुछ, क्योंकि ढोल आप लोग बहुत दिन से पीट रहे हैं, इसका कोई जवाब आपको मिल नहीं रहा, अभी सीधा आप लोग कानूनी कार्रवाई पे उतर आइए। अगर चाहते हैं कि बचे कुछ उम्र जितनी बची हुई है आप लोग के पास उसमें कम से कम एक नौकरी आप लोग ले लें। अच्छा आखिरी सवाल मैम ये बता दीजिए, क्या पशुपति पारस जी से इसके बारे में आप सिफारिश करिएगा कि ये बात को उठाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे तो क्या कहते हैं ऑनेस्टली ये कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं मिनिस्टर सर चाहते भी हैं कि इस टाइप के चीजों में अगर हम लोग का क्या कहते हैं बात करने से बोलने से अगर कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और आज ही नहीं, मैं कल ही उनसे एक बार बात करके आजकल में मैं बात करके अगर ऐसा होगा तो उन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग लेटर लेके हमारे मिनिस्टर सर से आके जरूर मिलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद धन्यवाद आप, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पारस गुट की तरफ से दिव्यानी मिश्रा जी को, इन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी है एक दो दिन में मैं आपको बता दूंगी, वो अपना लेटर लेकर के आए हमारे ऑनरेबल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे आकर के मिले और उनसे मैं पर्सनली बात करूंगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों का जो भविष्य है जो अंधकार में लेकर के जा रही है बिहार की सरकार, उनके चेहरे पर थोड़ा थोड़ा मुस्कान लाने की कोशिश किया जाए और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो साथी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।